अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे जी। वेलकम हो गया जी आपका हमारे ब्लॉग बट मिल जाता पेट हाउस पे। तो मैं ऑफिस से भी आया हूँ जस्ट, और मैंने सोचा कि यार काम अपना फिनिश करें मास्टर केज का जो हम छत पे बना रहे थे। मैं छत पे आया हूँ तो अभी इंशाल्लाह स्टार्ट करता हूँ वर्क करना। तो आज मैं कहता हूँ डक हाउस जो है ना वो मैं कम्प्लीट कर दूँ, जाली लगा दूँ दरवाज़ों पर सारा, उसको कम्प्लीट कर दें। तो बाकी नेक्स्ट दूसरा जो है ना पिजन्स का और डक्स उसका हैंस का वो मैं साथ साथ वो भी स्टार्ट कर दूंगा। तो इंशाल्लाह जैसे ही सैटरडे संडे छुट्टी होनी है ऑफिस से, तो दो दिन लगा के मैंने इंशाल्लाह ये काम भी फिनिश कर देना है। और फिर हम बकायदा ऊपर छत पे ना इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो बाकी काम भी आपको दिखाते हैं साथ साथ। चलें मैं करता हूँ काम और आपको बताता हूँ इंशाल्लाह। ये व्यू है जी हमारा ऊपर मास्टर केज का, जिसके अंदर हमने केजेस बनाने हैं। तो इसको मैंने पेंट वगैरह कर दिया था, तो अभी सारा गंद वगैरह पड़ा हुआ है, सारी साफ़ सफाई करने वाली है इंशाल्लाह ताला। ये सारी साफ़ सफाई करेंगे, सारा मलबा वगैरह जो है बाहर फेंकेंगे। तो अंदर से भी इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं जो वर्किंग स्टार्ट की हुई है। लास्ट ब्लॉग में आपको दिखाया था कि मैंने फ्रेमिंग कर दी थी उसकी डक हाउस की, तो अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको दिखाता हूँ जी। तो दोस्तों अंदर चलते हैं, मास्टर केज के अंदर दरवाज़ा खोलते हैं मास्टर केज का। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। जी सुन्नत के मुताबिक हम एंटर हो गए हैं जी। ये हमारा सामान पड़ा हुआ है सारा, जाली में ले आया था लगाने के लिए, और ये गोला भी ले आया था ऊपर बाद में लगाने के लिए। तो मिस्त्री बुना शुरू करते हैं जी अपना, राज तरहानों वाला काम स्टार्ट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये दरवाज़ा उतारता हूँ सबसे पहले मैं इधर से, दरवाजे को जो है ना पहले जाली लगाते हैं बाहर, जाली लेके जाते हैं बाहर रखते हैं, दरवाजे को जाली लगाते हैं। जाली लगाने के बाद फिर ये फ्रेम को सारी जाली लगाते हैं। ये एक चीज़ बस ये मुझे डिफ़िकल्ट थोड़ी लग रही है कि इसका क्या करना है, इस पर भी किस तरीके जाली जो है ना मैं इस पर भी फिट कर दूँगा, ये जो थोड़ी सी स्पेस उड़वा की है। और अंदर मैं प्लान कर रहा हूँ दोस्तों कि मे बी आप भी मुझे बताइएगा, जितना इतना ये जो साया नज़र आ रहा है इतनी इतनी बाउंड्री बना दूँ इसके अंदर, और उस तरफ मैं बूरा डाल दूँ सारा, और खाने पीने का इधर कर दूँ साइड पे, ताकि वो गीला भी हो तो टेंशन नहीं, बीच में बाउंड्री भी नहीं होगी, वो साइड पे खुश करेगा सर्दियों के लिए बेहतरीन। तो ये मुझे बताइएगा कि ये मेरा आइडिया ठीक है। तो इस तरह ये करूँगा इंशाल्लाह इसके अंदर, और ये करने के बाद फिर सारी साफ़ सफाई करके अंदर की, तो फिर मैं इधर केजेस ना जो बनाने स्टार्ट करूँगा। मैं आपको दिखाता हूँ ये जो जगह, इस जगह पर ये मेरी कम अज़ कम 7 फुट ऊँची जगह है। तो ये जो मैं स्पेस रखी हुई है ये 3 फुट चौड़ी स्पेस रखी हुई है, और ये 9 फुट जगह है सारी टोटल। तो मेरी ये काफ़ी अच्छी इधर कलोनी बन जाएगी। और ये जगह जरा ज़्यादा ऊपर है, 10 फुट ऊंची जगह है ये वाली, तो इधर भी ये बड़ी ज़बरदस्त कलोनी मेरी बन जाएगी। तो इंशाल्लाह ये कलोनी मेरे पास सारा मटीरियल पड़ा हुआ है, सिर्फ ये छुट्टी का इंतज़ार है, 2 छुट्टियाँ आ जाएँ ये भी मैं इंशाल्लाह कंप्लीट कर दूंगा अल्लाह के फजल व करम से, आप सबकी दुआओं से। तो प्लीज़ यार मैं इतनी मेहनत करता हूँ, अगर आपको यार मेरा व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगता है, मेरी शक्ल थोड़ी सी पसंद आ जाती है यार, तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ मस्ट लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बड़ी मेहनत कर रहे हैं यार। और अगर आपको मेरी थोड़ी सी भी शक्ल यार पसंद आ रही है, और मे बी आपको यार मुझे लगता है मेरी शायद किसी को मेरी पसंद नहीं आता, इसलिए मुझे लाइक नहीं कर रहा, सब्सक्राइब नहीं कर रहा, इवन के कमेंट्स भी नहीं, अच्छा कमेंट्स आते हैं उनका बहुत शुक्रिया, और उनका भी शुक्रिया यार जो मेरे वीडियो वॉच करते हैं विदाउट सब्सक्राइब विदाउट सब्सक्रिप्शन। तो मैं जब भी एनालिटिक्स देखता हूँ, मैं देखता हूँ यार मेरी कोई 30% लोग वो होते हैं जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है, और 70% वो है जिन बहन भाइयों ने दोस्तों ने बच्चों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया लेकिन मुझे वॉच करते हैं। तो यार आप सबका बहुत शुक्रिया, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है यार प्लीज़ बेल आइकन को दबा दें, सब्सक्राइब कर दें, कुछ नहीं होता यार, इसकी बहुत ज़रूरत है हमें, हम सबको जो भी मेहनत कर रहे हैं क्रिएटर्स हैं उन सबको, इसके बगैर हम नहीं चल सकते। आपकी इस सपोर्ट से हमें और हौसला मिलता है, और मज़े से अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का दिल करता है। तो मैं फिर भी दोबारा से बड़ा लॉफ थैंक्स आप सबका, और उम्मीद करता हूँ आप मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे वॉच करेंगे, इंशाल्लाह मैं अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाता हूँ। या मैं बड़ी मेहनत करता हूँ, ऑफिस से भी आता हूँ, अपना भी शौक है यार, ये नहीं कि आपके आप पे एहसान कर रहा हूँ, मेरा भी बहुत ज़्यादा अलहमदिल्ला मेरा शौक है बर्ड्स का, इसको मैंने फिर वीडियोज़ पर ले आया हूँ, तो आप भी देखें और मैं भी बनाता हूँ, मैं भी शौक पूरा करता हूँ, अभी शौक पूरा करके थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मेरे चैनल में बने रहिएगा, नेक्स्ट पूरी वीडियो देखिएगा। अब मैं इसमें काम स्टार्ट करने लगा हूँ तो आपको दिखाता हूँ इंशाल्लाह ताला। थैंक जी मेरे भाइयों, तो सामान लेके बाहर चलते हैं, जाली को भी ले जाते हैं बाहर, इसको काटते हैं, और ये फ्रेम तो मैंने निकाल लिया आपको दिखाया था दरवाज़ा, अब इसको ओपन करते हैं और बाहर चलते हैं, इसको जाली को रखते हैं इधर,
बाय, खड़ा हो जा। ये फ्रेम है जी, फ्रेम को बाय रखते हैं और कैंची में लेके हैं नीचे से, वो मैं देख लेता हूँ किधर है। और मुझे चाहिए होगी एंची टेप, एंची टेप ये रही। एंड नेक्स्ट व्हाट क्या चाहिए जी हमें, मज़ीद क्या चाहिए, चलें जो भी चाहिए होगा मैं ले लूँगा। तो एंची टेप पकड़ लिया, अब एक कैंची पकड़ते हैं, इसको काटते हैं। और हाँ, या मुझे चाहिए थोड़ी, चाहिए थोड़ी, या थोड़ी के साथ कील चाहिए। तो पहले मैं जाली काट लूँ, फिर ये चीज़ें मैं लेता हूँ। ठीक है, ये मेरा बेटा हसैन भी आ गया ऊपर, गंदा, इसने मुझसे पटाई भी खाई है थोड़ी सी, बड़े गंदे काम इसके हक दे। इसने आज ना ये छत पे इतना गंद डाला हुआ था इन्होंने, बहन भाइयों ने, पहले आके मुझे सारी सफाई करनी पड़ी है और ये मुझे सारा गंद इकट्ठा करके रखना पड़ा। इसको मैं उठाऊँगा मलबे को, तो बड़ा गंद डालते हैं यार, पटाई इतनी नहीं की, बस प्यार से ही डांटा है। तो इन्होंने सैन साहब ने क्या किया जी, अंदर बेडरूम में ना सारी दीवार जो पैनल है उस पर लकड़ी मार मार के सारी दीवार शहजादे ने फाड़ दी है। उन्होंने कहा बाप जितनी मर्जी मेहनत करे, मैं तो इसको साथ साथ नहीं डाल दूंगा। क्यों सैन, बड़ा अच्छा काम किया ना आपने, है ना, सॉरी नहीं किया आपने, हैं, कितनी बुरी बात है। चल मेरा बेटा मेरे साथ काम करवा, शहजादा मेरा। चलें जी, बच्चे हैं, बच्चों का काम है यही करना, काम करते हैं, ज़्यादा बोर नहीं करते आपको। वेलकम बैक दोस्तों, फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना काम कंप्लीट कर दिया। एक मेरा पोस्टर अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है, मैं आपको इसकी लुक दिखाता हूँ। वीडियो में नहीं बना सका यार, बच्चों के पास मोबाइल होता है, बच्चे मोबाइल छोड़ते ही नहीं है। बड़ी मुश्किल से मैंने अपना मोबाइल वापस मांगा है, मैं कहा यार एटलीस्ट एंड तो कर लेते हैं तो मुझे वीडियो का। तो मैं आपको दिखाता हूँ मैंने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा प्यारा बनाया। आप दोस्त बताइएगा कि कैसा मैंने बनाया है। तो ये देखें आप मेरा काम, ये देखें दोस्तों, ये मैंने गेट बनाया इसका, कुंडी ताला सब कुछ लगा लिया, ये कवर कर लिया मैंने, इधर से भी इसको ड्रिल करके मैंने कवर कर दिया इसको, और ये भी इधर से इसका हट बन गया। हुसैन ने मेरी बड़ी हेल्प की है माशाल्लाह। क्यों हुसैन, मज़ा आया काम करने का? ले जी, मेरा ये डक हाउस, हैन हाउस, ये मेरा तैयार हो गया, इंशाल्लाह इनको हम शिफ्ट करेंगे। लेकिन मैं कंप्लीट कर लूँ पहले सारा, ये वाली साइड मेरी कंप्लीट हो गई है, एक साइड इधर से ये व्यू देखें माशाल्लाह, ये कंप्लीट हो गई है। अब ये मेरी ये साइड रह गई है सारी, इंशाल्लाह इसे मैं कोशिश करूँगा फिर कल आके ऑफिस से करूँ थोड़ा सा काम, नहीं तो मैंने जो मेन जो मेरा अदरवाइज़ मेरा जो प्लान है वो यही है कि यार हफ्ते इतवार की छुट्टी होती है मुझे ऑफिस से, तो फिर मैं ऑफिस से आके फिर जुमे वाले दिन तो शाम को स्टार्ट कर दूंगा, हफ्ता इतवार लगाऊंगा, जुमे की रात लगाऊंगा, तो इंशाल्लाह मैं ये भी कंप्लीट कर दूंगा अल्लाह के फजल करम से। और सबकी दुआओं की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, काइंडली मेरे चैनल को लाजमी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके लिए अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट इंशाल्लाह अच्छे से व्लॉग के साथ, टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा,
अल्लाह हाफिज़।